हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो जिस बुक की हम बात कर रहे थे वो बुक लिखी है दुर्जॉय दत्ता ने, और बुक का नाम है वर्ल्ड्स बेस्ट बॉयफ्रेंड। और 13 तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि 13 तक स्टोरी क्या चली थी। 14 की शुरुआत में दिखाया जाता है, क्लास का सीन होता है, अरण्या ना बहुत जोर जोर के लिख रही होती है, और उसके ना जब वो लिख रही होती है पेन से तो एक नॉइज सी आ रही होती है। तभी वो देखती है ना पीछे एक लड़का बैठा होता है जो ना जो पहले की रो में लड़कियाँ बैठी होती हैं उनको गौर से देख रहा होता है। वो सोचती है देख क्यों रहा है ना, उसकी आंखें जो होती है ना बड़ी चढ़ी चढ़ी सी होती हैं, वो सबको देखने के बाद ना उसे देखता है। वो सोचती है कि ये चेहरा ना थोड़ा जाना पहचाना सा मुझे लग रहा है, और ना उसको अंदर से उसके प्रति बहुत ज़्यादा घृणा सी आती है कि भाई ऐसा है क्यों ये। तभी उसको याद आता है कि भाई मुझे इन चीज़ों में नहीं भटकना, मुझे अपना टास्क याद होना चाहिए, मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले तो प्रोफेसर का पपेट बनना है, ठीक है, स्कॉलरशिप लेनी है, प्रोजेक्ट लेना है रघुवीर के अंदर, और एक अच्छी सी जॉब लेनी है, और बाहर विदेश में आके सेटल हो जाना ताकि एक बढ़िया सी लाइफ मिले, और अगर हो सके तो एक लाइपोसक्शन की वो भी करवा लूँगी। लाइपोसक्शन, ये लाइपोसक्शन जो वर्ड है मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जो ये है ना लाइपोसक्शन, लाइपोसक्शन का मीनिंग होता है एक सर्जरी होती है किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में जब आप फैट रिमूव कराते हो तो उसके लिए होती है लाइपोसक्शन। तो कहती है ये भी करा लूँगी। अब होता क्या है ना, अरण्य जब सर लिख रहे होते हैं ना मिस्टर त्रिपाठी, तो उसको ना उनकी गलती पता चल चुकी होती है कि उसने गलती क्या करी है प्रोफेसर ने। अब जो अरण्य होती है वो कहती है कि सर शायद यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या फिर 4 आएंगे। अब ना उसको सब कुछ पता होता है कि भाई सर ने गलती करी, लेकिन तब भी जान पूछ के पूछती है, ओवर एक्टिंग करती है कि भाई मुझे ऐसे कुछ पता ही नहीं। अब प्रोफेसर होते हैं ना वो देखते हैं कि अरे हाँ ये गलती तो कर दी, वो कहते हैं ना खुश होकर कहते हैं कि चलो एटलीस्ट कोई तो है जो क्लास में अच्छे से बुक पढ़ रहा है, यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, वरना तो सब सो ही रहे हैं। अब जो प्रोफेसर होते हैं ना वो जाने से पहले कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स होता है ना उसकी किताबों के नाम बताते हैं, ठीक है, रेफरेंस बुक देते हैं, कौन सी इशू करानी है, जो भी होता है। अब उसके बाद वो कहते हैं ना कि मुझे कुछ वॉलंटियर्स चाहिए क्लास के लिए, तो कौन कौन रेडी है। अब ना कई सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, तो जो अरण्या होती है ना वो मतलब सोचती है मन में कि सर मुझे वॉलंटियर ले लो, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं आपको कभी निराशा नहीं दूंगी, आपके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, और मैं जब कामयाब होंगी तो मैं कहूँगी कि इन प्रोफेसर ने मेरी लाइफ चेंज करी है। वो ऐसा कहना चाहती है लेकिन वो सिर्फ अपना हाथ ही खराब करवाती है, कुछ कह नहीं पाती। जो प्रोफेसर होते हैं ना वो कहते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, तो वो फिर बताती है कि सर अरण्या। तो फिर सर कहते हैं कि भाई आज से ना अरण्या तुम्हारी वो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, और जो भी किसी को दिक्कत हो तो वो इससे बात करे, ठीक है, ये टेक केयर करेगी। अब जब वो जा रहे होते हैं ना स्टाफ रूम में, तो उनकी मदद करती है अरण्या बुक्स कॉपीज नोट्स बुक वगैरह ले जाने में, और फिर वहाँ जाके ना सर कहते हैं कि भाई कोई दिक्कत है, मतलब कोई दिक्कत परेशानी हो तो बात करने में झिझकना मत, ठीक है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मतलब बढ़िया है, अच्छा अच्छे से ख्याल रखना अपना। अब ना अरण्या हंसना चाहती है लेकिन हंस नहीं पाती, ठीक है। अब फिर वो क्या होती है ना, उसको अरण्या को बड़ी खुशी होती है, वो सोचती है कि चलो फाइनली मुझे कुछ तो पावर मिली ऐसी कि मैं दूसरों पर रूल कर पाऊँ, वो उस भी चीज़ से बड़ी खुश होती है। अब फाइनली वो क्लास में वापस आ जाती है ना, तो मतलब लंच ब्रेक हो चुका होता है, सब बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, कुछ की दोस्ती हो चुकी होती है, सब लोग कैंटीन कैफेटेरिया की तरफ जा रहे होते हैं, भाई कैंटीन की तरफ खाने पीने, नई दोस्ती बन चुकी होती है। अब होता क्या है ना, जो अरण्या होती है वो सोचती है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, वो फटाफट ना अपने जो नोट्स उसने लिखे होते हैं क्लास में ना वो उसको सही करने में लगी होती है, और ना पेज को मोड़ रही होती है ताकि भाई कुछ गड़बड़ी ना हो, घर जाके याद कर सके वो। अब इस पेज मोड़ने को कहते हैं डॉग ईयरिंग पेजेस, ओके, जो साइड में हल्का सा मोड़ देते हैं उसको हम कहते हैं डॉग ईयरिंग। अब वो मोड़ मोड़ती है जब पेजेस, वो देखती है ना एक लड़का अभी भी बैठा होता है क्लास में, उसके हाथ पे पट्टी बंदी होती है और वो उसी की तरफ देख रहा होता है, और वो सोचती है कि जा क्यों नहीं रही, क्यों मुझे देख रहा है बार बार, क्या मुझे ये मतलब मेरे साथ मॉकिंग कर रहा है ये। अब ना अब वो जब मतलब अपने जो नोट्स को कलर कर रही होती है ना, हाईलाइट कर रही होती है, तभी ना वो वहीं पर होता है अभी भी लड़का, और वो जैसे उसके पास से जाता है ना वो कहता है कि भाई नाइस मूव। अब जो अरण्या होती है कहती है कि क्या बोला वो, फिर ना वो देखती है ना उसके फ़ोन में ना टेम्पल रन गेम खेल रहा होता है वो। अब अरण्या होती है वो टेम्पल रन में ना प्रो प्लेयर होती है, अब वो देखती है कि मतलब टेम्पल रन तो खेला है लेकिन वो पहचान नहीं पाती है कौन सी स्टेज पे है अभी। तो फिर वो लड़का कहता है ना कि तुमने झूठ बोला, तो बोले क्यों आए मतलब बोले तुम्हें कैसे पता, बोलता है कि तुमने जो प्रोफेसर की मिस्टेक्स थी ना वो पहले ही पता लगा ली थी लेकिन तुमने झूठ बोला जानबूझ के, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुमने सिर्फ इसलिए करा ताकि तुम्हें ये पोजीशन मिल सके क्लास रिप्रेजेंटेटिव की, ठीक है, और तुम्हें सर ने दे भी दी, शायद इसलिए दे दी होगी क्योंकि तीनों तुम पे दया खा के दे दी होगी। वो कहती है ना कि अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो तुमने हाथ क्यों नहीं खड़ा करा, तुम हाथ खड़ा कर लेते तुम्हें मिल जाती पोजीशन। तो फिर वो कहता है ना हाँ मुझे इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, कहता है कि मैंने सुना कि तुमने कुछ सीनियर के साथ काफ़ी इंसल्ट करी है तुमने उन लोगों की सीनियर्स की। वो कहती है कि तुम्हें उससे क्या करना, वो कहता है नहीं मैं बस पूछ रहा था, ठीक है। फिर ना उसकी जो पिंक पार्ट, उसका जो बॉडी का पार्ट होता है ना पिंक पार्ट, वो उसकी तरफ देख रहा होता है। अब वो देख कहता है ना वो
उसको लगता है अरण्या को कि साला ये देख क्यों रहा है मेरी तरफ इतना, वो ना, और वो तो और हंस रहा होता तो उसको और गुस्सा आता अरण्या को। फिर ना अब वो अरण्या कहती कि मुझे कोई आइडिया नहीं है तुम किसकी बात कर रहे हो, ठीक है मुझे जाना है। तो ध्रुव जाते हुए कहता है ना, कहता है देखो ना मैं एक एस्ट्रोलॉजी भी हूँ, मैं भविष्य बता सकता हूँ। अब तुम जाओगी ठीक है अपने रूम में और टेम्पल रन खेलोगी, और तुम चाहोगी कि तुम मेरा रिकॉर्ड तोड़ो ठीक है, मैं तुम्हें बता दूँ मेरा जो लेवल है वो है 123। अब ये सुन के ना जो अरण्या होती है वो कहती है कि भाई मैंने कभी आज तक टेम्पल रन खेला ही नहीं ठीक है। तो ये था 14th, एंड इसके बाद शुरुआत होती है हमारी 15th की। हम 3 चैप्टर एक साथ देख रहे हैं ताकि बुक थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाए वरना बहुत लंबी हो जाएगी ठीक है। तो यहाँ से 15 शुरू होता है। अब 15 की शुरुआत में दिखाया जाता है ना, आधा घंटा बीत चुका होता है और वो टॉयलेट सीट पे बैठी होती है अरण्या, उसके हाथों में से और माथे पे पसीना आ चुका होता है, वो अपने आंसू पोंछ रही होती है। वो अपने आप से कहती है कि कोई तुमसे बेटर कैसे हो सकता है ठीक है। तो वो खेल रही होती है टेम्पल रन, और देखते देखते ना 2 घंटे और भी बीत जाते हैं। उसकी जो फिंगर्स होती है ना, उंगलियाँ, उसकी दर्द करने लगती हैं। और इस 8 साल में पहली बार ऐसा होता है ना जब उसने क्लास मिस करी होती है। ये क्लास होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो पढ़ाते हैं प्रोफेसर मित्रा जो कि डीन होते हैं कॉलेज के। तो कहती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या करूँगी ना उनसे स्टाफ रूम में जाके मिल लूँगी, अपोलॉजी करूँगी ठीक है, माफ़ी मांगूंगी, और थोड़ा ना उनको मक्खन लगाऊंगी कि भाई आपने PhD करी है उसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ये वो सो। अब क्या करती है वो अपनी थोड़ा हाथ वाथ फुलाती है, उसकी आंखें ना दर्द कर रही होती है बहुत ज़्यादा, इतना इतना गेम खेल लिया होता है। और देखते देखते ना एक और भी घंटा बीत जाता है। अब उसको भूख लगने लगती है, वो कहती है कि ना कि मैं किसी से नहीं हार सकती ठीक है, कोई तो मैं नहीं हरा सकता ठीक है, और ख़ासकर उस लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं। और ये पहली बार ऐसा होता है कि जब वो हार रही होती है, फिर सडनली क्या होता है ना उसकी फ़ोन की बैटरी डाइट हो जाती है, मर जाती है उसकी बैटरी। तो भाई वो कहती है अरे नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, अब क्या कर सकते हैं, उसकी फ़ोन की बैटरी हो गई डेड ठीक। अब वो कहती है कोई बात नहीं, वो अपने आप से कहती है कि चलो कोई बात नहीं इस बार तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन हम उसको हरा देंगे। अब वो क्या कहती है अपना बैग वैग लेती है, मुंह धुलती है, वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकलती है ना, वो देखती है कि जो ध्रुव होता है ना वो बैठा होता है बाहर ही। वो कहता है तो मैं ये मानता हूँ कि तुमने कुछ घंटों से ट्राई कर रही हो तुम ताकि मेरा स्कोर बीट कर सको। अब ना ये देख के तो वो कहती है कि ठीक है तुम्हें कोई दिक्कत हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मिलियन चीज़ों में ऐसी हूँ जो मैं तुमसे अच्छी हूँ ठीक है। तो ये टेम्पल रन जैसा फर्जी वाला कुछ मेरे सामने काम नहीं आएगा ठीक है, मैं तुमसे बहुत अच्छी हूँ बाकी चीज़ों में, सो सब मेरा पीछा छोड़ो तो ज़रा। अब जो ध्रुव होता है ना वो कहता है कि तुम्हें हार इतनी बॉदर क्यों करती है हमेशा। तो अरण्या कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ध्रुव कहता है क्लियरली दिख रहा है। तो अरण्या कहती है कि इसमें गलत क्या आएगा, तुम जीतना चाहते हो तो ठीक है। तो ध्रुव अपना ना फ़ोन बैग में रखता है और थोड़ा उसके पास आके कहता है कि तुम्हारा ऐसा टेम्पर है, तुम इतने शॉर्ट टेम्पर हो, मैं तो ये सोचता हूँ कि तुम ये डिबेट्स जीती कैसे इतनी। काम डाउन अरण्या, काम डाउन, ऐसा बोलता है उसको। तो अरण्या होती है ना वो कहती है कि ठीक है तुम मुझे काम डाउन के बारे में मत ही सिखाओ ठीक, तुमने मेरे सिलेक्शन पे क्वेश्चन उठाया और तुमने मुझे अगली कहा ठीक है, और तुम मैं तो क्यों ना तुम्हारा स्कोर बीट करने की कोशिश करूँ ठीक है, ताकि तुम्हें ये फील हो कि तुम सेकंड बेस्ट हो। ध्रुव कहता है सेकंड बेस्ट ठीक है, नॉट बीइंग गुड इनफ। वो कहता है ठीक है तुम अपने बारे में बात कर रही हो यहाँ पे मुझे लग रहा है ठीक है, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुमने लास्ट घंटे कुछ बिता दिया तब भी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया तुम्हारा। अरण्या कहती है तो मैं क्या करूँ फिर। तो अब ना वो कहता है ना जो अरण्या उससे जो ध्रुव होता है ना उससे पहले कहता है कि हमें थोड़ा टाइम ना साथ में बिताना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को जान सके। तो अरण्या कहती है कि भाई मैं तुम्हारे साथ क्यों बिताऊँ भाई टाइम। तो ध्रुव कहता है ना क्योंकि मैं हूँ ध्रुव रॉय, जानती हो मुझे ठीक है, तुम्हारी वजह से मुझे स्कूल से निकाला गया था कमेटी के सामने, जानती हो भाई जिसकी मम्मी ने उसको छोड़ दिया लास्ट डेट हम लोग लंच शेयर किया करते थे। अरण्या कहती है ना अच्छा तुम वही हो, इट्स गुड टू सी यू अगेन हेयर ठीक है। वो शॉक्ड होती है, कहती है कि भाई मैंने तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पे होगे। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से। जो ध्रुव कहता है ना कि तुम आज भी उतनी अगली हो जितनी उस टाइम थी, मैं तो ये सोचता हूँ लास्ट के 8 ईयर्स तुमने डिबेट, स्कॉलरशिप, प्रोजेक्ट, TT, काफ़ी इंप्रेस हूँ मैं तुमसे, तुमने इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन तुम इस चेहरे का क्या करोगी। लोग सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे ना वो तुम्हारा चेहरा देखेंगे ठीक है, और वो कभी बदलने वाला नहीं है अरण्या। तो अरण्या कहती है ना कि तुम यहाँ हो क्यों पहले तो ये बताओ। तो ध्रुव कहता है ना कि अब मैं इसके बारे में क्या ही कहूँ, ये शायद किस्मत है हमारी, तो लेकिन अगर हम अब तुम यहाँ पे हो ठीक है तो मुझे लगता है कुछ मतलब काफ़ी फन होगा यहाँ पे ठीक। तो ये था 15th।